Ladies and gentlemen, please put your hands together. The four laning of Kamakshanagar Duburi section of NH53 on EPC has been dedicated to nation by Shri Amit Shahji in the presence of Honorable Chief Minister Odisha and Honorable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan. Thank you, dignitaries, for doing the honor. Coming up next is a short audiovisual on all the outstanding work of NHAI. Can we have a look at the AV, please? भारत सरकार और उड़ीसा सरकार सड़कों के नेटवर्क को तीव्र और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी अविरल विकास की धारा के अंतर्गत उड़ीसा के प्रिय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की उपस्थिति में आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर कामाख्या नगर बाईपास को डुबरी से जोड़ने वाले 4 लेन राजमार्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। लगभग 51 किलोमीटर लंबा ये खंड 761 करोड़ की लागत से बना है। इस खंड के ऊपर 2 मेजर ब्रिज, 10 माइनर ब्रिज, 7 व्हीकल अंडरपास, 2 एनिमल अंडरपास और 1.73 किलोमीटर लंबा बाईपास है। इस सड़क के निर्माण में पर्यावरण एवं वन संरक्षण का विशेष ख्याल रखा गया है। वन्य जीवों के अबाध आवागमन के लिए एक 160 मीटर और एक 80 मीटर एनिमल अंडरपास का निर्माण किया है। औद्योगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तलचर कामाख्या नगर से मात्र 45 किलोमीटर दूर है, जहां 4 बड़े स्टील प्लांट्स हैं, वहीं डुबरी में 2 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। इन महत्वपूर्ण संयंत्रों के बीच अब कनेक्टिविटी और सुगम हो जाएगी। इसके फलस्वरूप क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, अनाज, वस्त्र उद्योगों और अन्य खनिजों का आवागमन सरल हो जाएगा। समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। निश्चय ही ये राजमार्ग क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का द्वार खोल देगा और उड़ीसा के प्रगति पथ को प्रशस्त करेगा।